हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। सब कैसे हो? सबका बढ़िया चकाचक चल रहा होगा, मेरा भी बढ़िया चकाचक चल रहा है। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं एक अच्छे से सुविचार के साथ। तो सुविचार क्या है ये देख लेते हैं पहले। खुश रहना चाहते हैं, खुश रहना बहुत आसान है। हाँ फ्रेंड्स, बचपन से हमें यही सिखाया गया है कि अगर खुश रहना चाहते हो तो हमेशा झुक के रहो, किसी के सामने अकड़ो मत, सभी के सामने झुक के रहो और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को सभी के सामने दिखाओ। लेकिन ये बात सबसे बड़ी बात है कि हम जिसके सामने झुक रहे हैं, क्या वो हमारी अच्छाई के लायक है, हमारे झुकाव को समझने के लायक है? अगर सामने वाला ज़रूरत से ज़्यादा अकड़े तो उसके सामने झुकने का कोई मतलब नहीं बनता। ज़िंदगी में कभी कभी हमारी अच्छाई ही हमारी दुश्मन बन जाती है, हमें आगे बढ़ने ही नहीं देती। इतिहास गवाह है फ्रेंड्स, महाभारत की युद्ध भूमि में खुद श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज़रूरत से ज़्यादा झुकने के लिए उन्हें कायर कह दिया था। हाँ फ्रेंड्स, ये बात सही है। जब अर्जुन अपने गांडीव को छोड़कर रथ के पीछे वाले हिस्से पर जाकर बैठ गए और बिल्कुल भी उदास हो गए, ऐसा फैसला कर लिए कि हम किसी के सामने युद्ध नहीं करेंगे, किसी से युद्ध नहीं करेंगे, सबके सामने झुक कर रहेंगे, तो फिर हमारे अपनों का खून नहीं बहेगा, हमारे अपनों की मृत्यु नहीं होगी। तब खुद मधुसूदन जी ने अर्जुन से कहा कि हे धनंजया, तुम्हारे युद्ध ना करने से क्या तुम्हारे भाई जीवित रह जाएंगे? क्या तुम्हारे भाई को कौरव छोड़ देंगे, तुम्हें छोड़ देंगे? तब श्री कृष्ण ने गीता जी का ज्ञान दिया और फिर से अर्जुन गीता जी का ज्ञान सुनकर फिर से अर्जुन उठ खड़े हुए और युद्ध के लिए तैयार हो गए। तो फ्रेंड्स, झुकना भी उसी के सामने चाहिए जो हमारे अच्छेपन को, हमारे झुकाव को समझे और हमें समझे। तो स्नान हो गया था और अब ध्यान हो रहा है, तो सबसे पहले पूजा कर लेते हैं। और पूजा में डेली नित्य दिन शंख की पूजा डेली करनी चाहिए, क्योंकि शंख और लक्ष्मी माँ की भाई बहन का रिश्ता है। अगर अपने घर में धन धान की कमी नहीं चाहते हैं, लक्ष्मी भरपूर चाहते हैं, तो शंख की पूजा अपने पूजा रूम में डेली कीजिए, नित्य दिन कीजिए, क्योंकि शंख और लक्ष्मी जी दोनों समुद्र से ही निकले, इसीलिए दोनों में भाई बहन का रिश्ता है। तो चलिए, यहाँ पर पूजा पाठ हो ही गया था उसके बाद, और ये लॉन्ग इलायची हम भरे, आप लोग देखे ही, लॉन्ग इलायची ख़त्म हो गया था। जो ठाकुर जी को हम भोग में डेली लगाते हैं वो लॉन्ग इलायची ख़त्म हो गया था, तो फिर से उस डब्बे में हम भर के रख दिए। तो यहाँ पे हमारा सारा पूजा पाठ सब हो गया और आज एकादशी का नहा खा का पूजा कर रहे थे। हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सब कैसे हो? सब बढ़िया चकाचक होंगे, मेरा भी बढ़िया चकाचक चल रहा है। तो आज हो गया एकादशी का नहा खा है आज, और नहा खा का पूजा हो गया। सिंपल जैसे करते हैं डेली वैसे ही, तो हम ऐसे ही करते हैं, तो ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही शुरू, जैसे शुरू करें वैसे ही करना चाहिए। तो बच्चे भी आ गए हैं, सबका छुट्टी हो गया है, गर्मी छुट्टी, तो चलिए आगे का काम शुरू करते हैं। और धूप भी बहुत जल्दी जल्दी से यहाँ तक आ गया, और आज थोड़ा लेट हो भी गया मेरा पूजा पाठ में। पहले खुद तो उसका नहाने का ठिकाना नहीं रहता है, और उसके बाद यहाँ धूप बढ़ रहा था धीरे धीरे, क्योंकि आज थोड़ा लेट हो गया था। और उसके बाद जल्दी जल्दी से अब हम यहाँ पे अपना दैनिक कार्यक्रम जो है रोज़ का दिनचर्या वही शुरू कर दिए, और बर्तन सारा रात में ही धो लिए थे, क्योंकि नहा खाया तो नहा खा के दिन जितना बर्तन है सारा का सारा बर्तन धोवाता है, मैशाता है, सब लहसुन प्याज से नहीं आज होगा तो सारा मैशाएगा धोवाएगा, तो सारा बर्तन हम रात में ही धो लिए थे कि सुबह लेट ना हो, जल्दी से खाना बनाने में आसानी हो। तो आज क्या खाना चाहिए नहा खा के दिन और क्या नहीं खाना चाहिए, ये सब हम शेयर करेंगे आप लोग से इस वीडियो में। शेयर क्या करेंगे, दिखाएंगे भी कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं। तो आज के दिन हल्का फुल्का खाना खाना चाहिए, ज़्यादा भारी भरकम छाना तला ये सब नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आज अगर छाना तला खाएंगे तो कल हमें प्यास ज़रूर लगेगी, कल है निराजली एकादशी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चना फुलाए थे, और चना पहले बच्चों को दे देते हैं थोड़ा थोड़ा, वो लोग खा लें, क्योंकि सुबह में चना बहुत अच्छा रहता है, और जेठ महीना है तो पेट ठंडा रहेगा, और वैसे भी ये लोग जहाँ रहते हैं बाहर, ये लोग खुद का केयर तो करते नहीं है, बस यहाँ घर आते हैं तो थोड़ा बहुत अपने से खुद से खुद के हाथों से करना ही पड़ता है इन लोगों का। तो बस यहाँ पे सबको दे दिए थे चना, इन लोग को खा लिए थे। और यहाँ देखिए सुबह सुबह निमी मेहंदी लगा के बैठी है हाथ में, इसको मेहंदी सूझा, वही बट सावित्री वाला मेहंदी जो बचा हुआ था ना पूजा वाला, वही वाला मेहंदी बचा हुआ था, तो इसको दिख गया तो ये लगा ली अपना। उसके बाद यहाँ जल्दी जल्दी से रोटी बना के हटा ले रहे हैं पहले, क्योंकि धूप बढ़ रहा है,
रोटी बनाने के बाद यहाँ चावल बनाएंगे। और आज के दिन चावल एक ही टाइम खाना चाहिए, एक टाइम दोपहर के टाइम चावल खाना चाहिए जो व्रत करती हैं उनको, और दो टाइम रोटी ही खाना चाहिए। रात में कभी चावल नहीं खाना चाहिए। रात में जो चावल खा के, बहुतों का आदत होता है कि रात में बिना चावल खाए नहीं सोते, लेकिन आज जो एकादशी करते हैं उनको रात में चावल खा के सुबह एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए, रोटी ही खा के करना चाहिए। और यहाँ पे बिना लहसुन प्याज का सब्जी बनाएंगे, तो पनीर फाड़े थे, थोड़ा सा दूध घर का ही फाड़ लिए थे दूध, और यहाँ पे उसका मसाला तैयार कर ले रहे हैं। तो काजू है, मखाना है और टमाटर है और हरी मिर्च है, और इसी में हम जीरा गोल की भी थोड़ा थोड़ा डाल दे रहे हैं, मतलब साथ में ही पीस लेंगे, क्योंकि आज का खाना में लहसुन प्याज नहीं पड़ेगा, बिना लहसुन प्याज का बनाएंगे। और ये देखिए बढ़िया से ये पीस गया था। तो आज के दिन ज़्यादा पानी वाला फल खाना चाहिए, जैसे कि तरबूज हो गया, खीरा हो गया, ताकि आज का ही खाया हुआ जो फल रहता है पानी वाला रहता है, वही कल भी हमारा शरीर में काम देता है, कल अच्छा सा मतलब प्यास नहीं लगेगा, उतना मुंह सूखा सूखा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा बटर रखा हुआ था कटोरी में, पहले से ही रखे थे, हम बटर हमेशा रखते हैं कटोरी में, जब भी पनीर वनीर बनाना रहता है तो बनाते हैं, तो यहाँ पर बटर रखा हुआ था, तो यही बटर डाल के आज पनीर बना देते हैं। ये तो नाश्ता में बनेगा, और खाना में फिर क्या बनेगा ये हम बाद में सोचेंगे, देखते हैं खाना में क्या बनाते हैं। बस थोड़ा सा पनीर था तो बस हो जाएगा, बच्चों का हो जाएगा और हम लोगों का भी थोड़ा थोड़ा हो ही जाएगा। तो चलिए पहले पनीर का सब्जी बना लेते हैं। जीरा और सूखी मिर्च का फ़ोरन दे दिए थे, और वही मसाला जो पीसे थे ना, तैयार किए थे, वही हम इसमें डाल दिए। तो सब्जी हमारा तैयार ही हो गया, जैसे सूखी सब्जी बनाया है, ज़्यादा ग्रेवी वाला नहीं, क्योंकि बच्चों को ग्रेवी वाला पसंद नहीं है, बच्चों के पापा को ग्रेवी वाला सब्जी पसंद है, लेकिन इन लोगों को सूखी सब्जी चाहिए, दही तो रहेगा ही, इसीलिए हम रोटी सब्जी और टमाटर का सलाद, वैसे दही है, दही हम बाद में दिए थे लेकिन अभी वीडियो में डालना भूल गए थे। उसके बाद अब यहाँ पर हम आ गए हैं थोड़ा सा फेस पैक बनाने, क्योंकि निमी आई है बाहर से और बहुत काली हो गई है, धूप में जो क्लास करने जाती है ना, तो यहाँ से थोड़ा सा फ्रूट फेस पैक सोचे बना के उसके फेस पे लगा देते हैं। तो यहाँ पे ले लिए थे केला और पपीता, पपीता रखे थे थोड़ा सा, तो उसका पपीता था, केला था और बेसन था और चावल का आटा था, तो बस ये सब ले लिया। और थोड़ा सा दो तीन बूंद हम इसमें ग्लिसरीन का डाल दिए, वैसे गर्मी का दिन है, ग्लिसरीन डाले तो अच्छी बात है, नहीं डाले तो कोई बात नहीं, बिना ग्लिसरीन का भी अभी गर्मी में वैसे भी पैक बन जाता है, और इसका फेस पैक इतना बढ़िया तैयार होता है फ्रेंड्स, कि ये आप इस धूप में अपने लिए या फिर बच्चों के लिए ज़रूर बनाएं, ज़रूर तैयार करें, बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा यूज़, मतलब इतना अच्छा इसका असर होता है ना, कि देखने से मतलब तुरंत पता चल जाता है कि कितना बढ़िया हुआ। तो ये इसको हम लगा दे रहे हैं, उसके बाद अपना फेस पे भी हम थोड़ा सा लगा लिए थे, थोड़ा देर के बाद लगाए थे, अभी नहीं लगाए थे क्योंकि अभी मुझे काम था इसीलिए। तो इसका फेस पे यहाँ लगा दिए कि यहाँ बैठी है तो लगा लो, थोड़ा सा टैंग हो गया था बहुत ज़्यादा, और हाथ में भी हो गया था, लेकिन हाथ में ये बोली कि अभी नहीं लगाएंगे, वैसे तो स्नान ही कर चुकी थी लेकिन बोली अभी नहीं लगाएंगे, बाद में लगाएंगे, तो हाथ में ये नहीं लगाए। और उसके बाद फिर इन लोगों का टैची हम खाली कर रहे थे, सारा कपड़ा गंदा निकाल रहे थे, क्योंकि देखते ही देखते समय बीत जाएगा और जाने का भी टाइम हो जाएगा, तो कपड़ा भी बहुत ज़्यादा गंदा लेके आई थी, तो सारा ये धो रहे थे। बच्चों का है ना कि उतना धोते थोड़ी है ना, एक ही कपड़ा को चार पाँच दिन पहन लेते हैं कि धोने से बच जाए, इसीलिए तो हम ही बोल दिए थे फ़ोन पे कि सारा गंदा कपड़ा लेके आना, यहाँ धुल जाएगा, तो सारा गंदा कपड़ा हम सोचे चलो आज सर्फ वाला पानी में डाल देते हैं, धो लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ वीडियो का भी एंड करने का टाइम हो रहा है, क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, फिर आगे का वीडियो में हम शेयर करेंगे। तो कपड़ा हम यहाँ पर फुला के रख दे रहे हैं, शाम को धोएंगे, अभी नहीं धोएंगे, हाँ क्योंकि अभी बहुत धूप भी है और खाना भी फिर बनाना है दोपहर का, इसीलिए अभी नहीं धोएंगे कपड़ा, फिर सिर्फ फुला के रख देते हैं। इसी के साथ आज का वीडियो का एंड करते हैं, फिर मिलते हैं कल, बाय बाय, टाटा, राधे राधे।